मैं जिन भी महापुरुषों को भारत रत्न दिया गया उनका सम्मान करता हूँ, ये अच्छी बात है। राष्ट्र की प्रतिभाओं को सम्मान देना चाहिए और जिनका योगदान राष्ट्र निर्माण के लिए है उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। लेकिन जब इस देश में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिलता है, खिलाड़ियों को भारत रत्न मिलता है, कलाकारों को भारत रत्न मिलता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भारत रत्न मिलता है, नेताओं को भारत रत्न मिलता है, तो किस बात के लिए कि इनका राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या आज तक और मरणोपरांत भारत रत्न बहुत महापुरुषों को दिया गया और ज़्यादातर राजनैतिक लोगों को दिया गया, तो क्या महर्षि दयानंद और स्वामी विवेकानंद का योगदान इन राजनेताओं से, अभिनेताओं से, कलाकारों से कम है? आज तक एक भी सन्यासी को भारत रत्न क्यों ना मिला? तो केवल इसलिए नहीं हम भारत रत्न उनको देने से हिचकें कि हम मदर टेरेसा तो क्यों तो दे सकते हैं क्योंकि ईसाई है, लेकिन भारत के साधु सन्यासियों को नहीं दे सकते। बोले तो हिंदू है, तो हिंदू होना क्या गुनाह है इस देश में? हमारे साधु संतों को भी वही गौरव मिलना चाहिए जो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के व्यक्ति को मिलता है। मैं मानता हूं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्या गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का कम योगदान है? क्या भगवान बुद्ध महावीर का कम योगदान है? क्या हमारे साधु संतों ने जो इस देश के लिए काम किया, चाहे पूज्य स्वामी शिवकुमार जी हैं, ऐसे हमारे कितने साधु संत हैं जिन्होंने 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 50,00,000, 1,00,00,000 करोड़ बच्चों को शिक्षा दीक्षा संस्कार देके उनको नवजीवन दिया। तो जिनका बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे साधु संत महापुरुषों को भी, हिंदू साधु सन्यासियों को भी भारत रत्न देना चाहिए यदि इस पुरस्कार की प्रतिष्ठा बरकरार रखनी है तो। महाराज, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपका है। इससे तो ये लगता है कि क्या जो अपनी प्राचीन ये संस्कृति है, जो ऋषियों मुनियों का योगदान है, क्या सरकारों ने उसको नकारा है? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि सरकारें सन्यासियों को सम्मान नहीं देती। सन्यासी तो स्वयं सम्मानित हैं अपने कर्म से, अपने योगदान से। लेकिन 70 सालों में एक भी सन्यासी को भारत रत्न न देना, मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, मैंने ध्यान दिलाया।